हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये टॉपिक हमारे जेई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी बहुत स्पेशल है। इस टॉपिक में हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और जो फॉर्मूला सीखेंगे, उस फॉर्मूले को याद जरूर करना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यहां हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपने क्लास 11th में सुने होंगे, जैसे कैरियस मेथड, लिबिग्स मेथड, ड्यूमास मेथड, जिडाउस मेथड। और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कि इन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे IIT नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पूरे वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत में कर रहा हूं। इसका नाम है जिडाल्स मेथड। जिडाल्स मेथड का यूज करा जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो यार, क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो पता ही है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी क्वांटिटी या प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, वही कैलकुलेट करना। जिडाल्स मेथड इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जिडाल्स मेथड में करते क्या है, देखो यहां हम बात कर रहे हैं MCQ प्रॉब्लम की। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी लिखने का पेपर नहीं है हमारा, पेपर है MCQ, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले जिडाल्स मेथड में करते क्या है, हमारे पास एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वे है वो है W। W इसका अमाउंट है, कितना ग्राम है, तो वो W ग्राम है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करा जाता है। जब मिक्स करते हैं तो जितना भी इसमें नाइट्रोजन है वो बना देता है अमोनियम सल्फेट। फर्स्ट स्टेप, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो उसने बना दिया अमोनियम सल्फेट। फिर फाइनली हम लोग इसमें मिलाते हैं बेस। बेस मिलने से क्या होता है, जो आपने शुरू में एसिड मिलाया, उस एसिड के साथ जब ये बेस आएगा तो ये उसको कर देगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल करने के बाद जितना भी अमोनियम सल्फेट है यहां से निकलेगा अमोनिया NH3। अब होता यह है कि यहां का जो NH3 निकला है गाइज, इस NH3 को ध्यान देना, NH3 के अलावा Na2SO4, H2O भी निकलता है, लेकिन जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे लिए वो मैं लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, सल्फ्यूरिक एसिड मिलने पर बना अमोनियम सल्फेट। जितना नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज होकर अमोनियम सल्फेट देगा। फिर हमने बेस मिलाया तो अमोनियम सल्फेट से निकला अमोनिया। फाइनली इस एसिड को बेस न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल होने के बाद भी एसिड जो एक्सेसिव है, होता है ना यार, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, बेस की कम थी, तो बेस ने एसिड को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन न्यूट्रल के बाद भी थोड़ा बहुत एसिड एक्सेसिव रह गया। तो एक्सेसिव एसिड जो होगा हमारा, इस टर्म पे ध्यान देना गाइस, वरना न्यूमेरिकल तुम लोगों का सॉल्व नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। एक्सेसिव एसिड अगेन इस अमोनिया के साथ कंबाइन होगा, और एक्सेसिव एसिड की नॉर्मैलिटी मैं N1 से डिनोट कर रहा हूं, वॉल्यूम को मैं डिनोट कर रहा हूं V1 से। रिमेंबर N1 V1। फाइनली वो अमोनिया से कंबाइन होगा एंड अगेन इट विल गिव्स अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एक्सेसिव एसिड का। तो आप लोग पहले नोट कर लो इसे। अब अगर मान लो, स्पेस दिख रहा है, ओके, यहां पर अगर मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है कि मेरे पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन था, तो इसका फॉर्मूला आएगा 1.4 × N1 V1 / W। यहां पर 1.4 है एग्जैक्टली नाइट्रोजन का मास, एटॉमिक मास 14 होता है, वो हम परसेंट और 1000 को कैंसिल करते हैं तो इतना आ जाता है। 1.4 × N1 N1 और V1 हमें पता है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये एक्सेसिव वर्ड याद रखना। W क्या है, मास ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं अभी हम लोग, न्यूमेरिकल करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल आप लोगों को दिख रहा है, यार थोड़ा सा स्पेस कम है, इसी वजह से मैंने थोड़ा पास पास लिखा हुआ है।
क्वेश्चन क्या है मैं बोल रहा हूं, अगर कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो आप नोट कर सकते हो। 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो चलो यार नोट करते जाते हैं साथ में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट दैट इज W दिया है 0.2 ग्राम, वॉज एनालाइज्ड बाय जिडाल्स मेथड, अमोनिया एवॉल्व वॉज एब्जॉर्ब बाय 60 ml ऑफ N बाय 5H2SO4। 60 ml मतलब यहां पर नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड है N बाय 5, N बाय 5 मतलब 0.2 नॉर्मल, और वॉल्यूम ऑफ H2SO4 है 60 ml। तो मैं इसे N1 V1 मान रहा हूं, फाइनल नहीं कर रहा हूं अभी, ध्यान रखना आप लोग। फिर इसके बाद दिया हुआ है 60 ml N बाय 5 नॉर्मल, अनयूज्ड एसिड रिक्वायर 40 ml ऑफ N बाय 10 NaOH। तो एक काम करते हैं, NaOH बेस है, बेस का वॉल्यूम मैं मान लेता हूं V2, V2 है 40 ml और नॉर्मैलिटी है N2, ये है हमारे पास N बाय 10, मतलब ये होगा 0.1 नॉर्मल। फाइंड परसेंटेज ऑफ N, N मतलब नाइट्रोजन, पूरा लिख लेना यार वरना इसे भी नॉर्मैलिटी समझो। फाइंड परसेंटेज ऑफ N, जगह की कमी है इसलिए मैंने वहां लिखा। अब फाइनली हम लोगों को करना क्या है, देखो यार जब भी कोई जिडाल्स मेथड पे न्यूमेरिकल आता है, चाहे आप एनसीईआरटी के पीछे देखो एक्सरसाइज में, आईआईटी नीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो, तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही दिखेगा। डिफरेंस ये होगा कि कई बार नॉर्मैलिटी की जगह मोलैरिटी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें एसिड का वॉल्यूम और नॉर्मैलिटी देंगे, साथ में किसी बेस का वॉल्यूम और नॉर्मैलिटी भी देंगे। तो शुरुआत करनी है हमें यहां से, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। N1V1 नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड, भैया ये एसिड के लिए लिख रहा हूं मैं, और N2V2 ये बेस के लिए लिख रहा हूं मैं। तो आप देख सकते हो एसिड की नॉर्मैलिटी कितनी है 0.2 और V1 वॉल्यूम है 60, इज इक्वल्स टू बेस की नॉर्मैलिटी है 0.1 और वॉल्यूम है इसका 40। हमने कैलकुलेट करा 60 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो ये हो गया 12, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो ये हो गया 4। आपने अब क्या करा, मेरी बात ध्यान से सुनना, एसिड आपके पास एसिड की N1V1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है। अब आप देखो एक्सेसिव एसिड, क्योंकि यही चीज तो हमारा फाइनल आंसर लेकर आएगी, एक्सेसिव एसिड N1V1, एसिड का N1V1 मतलब नॉर्मैलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना ज्यादा है बेस के कंपैरिजन। तो एसिड की वैल्यू आई थी 12, बेस की आई है 4, तो 12 माइनस 4 हो जाता है 8, बिल्कुल करेक्ट है। अब फाइनली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला रखो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू N1V1 डिवाइडेड बाय W। तो हमने रखा 1.4, N1V1 जो एक्सेसिव का है वो हमें लेना है, तो एक्सेसिव हमारे पास N1V1 कितना आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय W, W है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2। तो फाइनली जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 7 × 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 56, और मुझे फाइनल आंसर को परसेंटेज में लेकर आना है। तो इस तरह गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन है 56%। दोस्तों यहां आकर प्रॉब्लम होती है, N1V1 N2V2 रख लेते हैं लेकिन इस स्टेप को भूल जाते हैं, और जब भी ये स्टेप भूलते हैं हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। हमें एक्सेसिव पे ध्यान देना है, एसिड कितना ज्यादा है नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में। तो करना ये N1V1 N2V2 को इक्वल कर देना, जो एक्सेसिव आएगा उसे कम वैल्यू वाले से माइनस कर देना, एसिड ज्यादा था 12, बेस की वैल्यू आई थी 4, तो मैंने बेस की वैल्यू को माइनस करा तो मुझे एक्सेसिव एसिड मिला 8। इस तरह हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लो। हमारा सेकंड मेथड आता है यहां पर ड्यूमास मेथड, ड्यूमास मेथड भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जिडाल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ड्यूमा मेथड में भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं नाइट्रोजन का। ड्यूमाज मेथड में करना क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, लेकिन इस बार साथ में नाइट्रोजन भी है क्योंकि हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो जितना भी कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज होकर देता है CO2, जितना भी हाइड्रोजन है वो सब बना देंगे H2O और नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा N2 में। नाइट्रोजन हमें N2 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। अब हमें इन तीनों में से चाहिए सिर्फ नाइट्रोजन, तो हम लोग यहां पर कंसंट्रेटेड KOH लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो KOH इन दोनों को एब्जॉर्ब करता है और KOH की सरफेस पर फाइनली हमें मिलता है नाइट्रोजन। ध्यान रखना KOH इन दोनों को कर लेगा एब्जॉर्ब, आप लोग नोट कर लेना, और KOH की सरफेस पर हमें मिलता है N2। अब यहां पर अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 28 × V। मैंने 28 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे मिला N2। हम लोग जानते हैं ना यार नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो N2 का कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा अगर मैं N2 लिखता हूं। तो 28 × V मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 22400 × 100 / W। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं, W है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां पर V है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 22400 क्या है, हम लोग जानते हैं STP पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस होता है 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर। तो आप लीटर में लो या मिलीलीटर में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना। और ड्यूमा मेथड में किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता, सीधे सीधे वॉल्यूम की वैल्यू दी जाएगी उसे पुट करो, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसे पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज यही रीजन है कि ड्यूमाज मेथड पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस जेडाल के कंपैरिजन कम होते हैं क्योंकि जेडाल में लॉजिक ज्यादा लगता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो। हमारा नेक्स्ट मेथड है नंबर 3, कैरियस मेथड। कैरियस मेथड है फॉर सल्फर, आगे हम पढ़ेंगे कैरियस मेथड फॉर हेलोजन्स। तो गाइस करना क्या है, कैरियस मेथड में आपके पास एक कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस कंपाउंड में हमारे पास है सल्फर। तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं, ऑक्सीडाइज कर बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना सल्फर है उसे पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करा, इसके बाद हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं एंड देन बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो हमें मिलता है PPT बेरियम सल्फेट BASO4। और BASO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 233 और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है इसका जो मास है वो है W। अब अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्योंकि BASO4 में आप ध्यान दो, यहां पर ध्यान दोगे आप तो मिलेगा आपको सिंगल सल्फर 32 into वेट ऑफ BASO4। BASO4 का मोलार मास तो फिक्स है लेकिन वेट फिक्स नहीं है ना यार, हर रिएक्शन में हर प्रोसेस में वेट अलग अलग मिलेगा, हो सकता है कहीं 10 ग्राम मिल जाए, कभी हमें 99 ग्राम मिल जाए, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड। तो यहां पर वेट ऑफ BASO4 एक अलग चीज है, ध्यान रहे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BASO4 233 into 100, 100 इसलिए लगा रहे हैं ताकि आंसर हमारा परसेंटेज में आए, डिवाइडेड बाय W। तो इस तरह अगर हम ध्यान दें तो हमें मिलता है इस मेथड से सल्फर का परसेंटेज। एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला जरूरी है 32 into वेट ऑफ BASO4 into 100 / W / मोलार मास ऑफ BASO4।
तो गाइज नोट कर लो आप लोग इसे, यहां पर हमारा नेक्स्ट मेथड हम लोग देख रहे हैं कैरियस मेथड फॉर हैलोजन। हैलोजन हम लोगों को पता है डिनोट करते हैं एक्स से, और ये एक्स में हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन को अवॉइड करते हैं, ध्यान रखना। तो कैरियस मेथड में हम लोग करते क्या है, हमारे पास जो भी हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके साथ प्रेजेंट है एक्स, एक्स मतलब हैलोजन। हम लोगों ने सबसे पहले इस कंपाउंड को हीट करा HNO3 के साथ, बिल्कुल वही जो अभी हमने कैरियस मेथड में करा था। उसके बाद वहां हमने BaCl2 मिलाया था, यहां मिला रहे हैं AgNO3, तो हमें मिल जाएगा AgX, सिल्वर का हैलाइड, और इस हैलाइड से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ हैलोजन। AgX में अगर AgCl मिलता है तो AgCl का मोलार मास होता है 143.5, अगर AgBr मिलता है तो 188, और अगर AgI मिलता है तो मोलार मास होगा 235। गाइस ध्यान रखना मैं मोलार मास की बात कर रहा हूं। फाइनली अगर मुझे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है तो सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgCl, क्योंकि क्लोरीन यहां से मिलेगा, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AgCl। कितना है मोलार मास, 143.5 × 100 डिवाइडेड बाय W क्या है, मास ऑफ कंपाउंड, इसको डिनोट करना है W से। सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgBr, क्योंकि ब्रोमीन मुझे मिलेगा AgBr से, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AgBr इंटू 100 डिवाइडेड बाय W। और यही फॉर्मूला आयोडीन के लिए भी लग जाएगा, इट इज वेरी सिंपल। अगर हमें परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ AgI डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ AgI, दैट इज 235 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो गाइस देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोलार मास तो फिक्स है लेकिन मास वेरी करेगा जो आपको एग्जामिनर देगा न्यूमेरिकल में। आप लोग प्रॉपर तरीके से इस फॉर्मूले को देखो, और ध्यान रखना अभी सल्फर वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें भी यही करा था मैंने। यहां मुझे क्लोरीन का एस्टिमेशन परसेंटेज निकालना है तो क्लोरीन का एटॉमिक मास लिया, वहां मुझे सल्फर का निकालना था तो मैंने सल्फर का एटॉमिक मास लिया, वहां मैंने मास ऑफ BaSO4 लिया था, यहां पे AgCl या AgBr या AgI ले रहा हूं, इंटू 100 अपॉन W, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस आप प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट करते जाना और इसे याद करते जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिबिग्स मेथड, और ये लिबिग्स मेथड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। लिबिग्स मेथड में करना है हम लोगों को, ये बड़ा सिंपल सा काम करना है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, नो डाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन हाइड्रोजन तो कंफर्म है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और CuO के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ। तो होता यह है कि इस कंपाउंड में इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है कि जितने भी कार्बन होते हैं, चाहे 1 हो 100 हो, जितने भी हो, हम लोग नंबर तो नहीं लिख सकते, हम सिंबॉलिक फॉर्म में बता सकते हैं कि जितने भी कार्बन है वो CO2 बना देंगे, जितने भी हाइड्रोजन है वो बना देंगे H2O। अब हम लोगों को ये बात पता है कि मोलार मास ऑफ CO2 44 होता है ग्राम पर मोल, मोलार मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल, ये हम लोग जानते हैं। अब अगर मान लो मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो गाइज कुछ नया काम नहीं करना है यार, अभी कैरियस में जो पढ़ा वही कॉन्सेप्ट लो, जिसका परसेंट निकालना है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई, ये कार्बन मुझे कहां से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है CO2 से, तो मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ CO2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय W, और W क्या है,
मास ऑफ कंपाउंड, जो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसका मास। देखो हम लोग एक जैसी चीजों को ही अगेन एंड अगेन पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और देखो कि मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे हम लोग। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मुझे निकालना है तो H2 का मास, क्योंकि ध्यान से देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो मैं अकेले H का मास नहीं लूंगा, मैं मास लेता हूं यहां पर H2 का, तो H2 का मास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ H2O इनटू डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ H2O दैट इज 18 इनटू 100 डिवाइडेड बाय W, और W क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह लिबिग्स मेथड में हम लोग कार्बन का CO2 और H2O में ऑक्सीडाइज करते हैं कंपाउंड को, और हम निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कई बार हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जब हमारे लिए कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं कि लिबिग्स मेथड का यूज कौन से एलिमेंट्स के एस्टिमेशन में है, कैरियस मेथड का यूज कौन कौन से एलिमेंट्स के एस्टिमेशन में है। तो ये याद रखना आप लोग, इट इज वेरी सिंपल, तो आप नोट कर सकते हो। याद दो चीजें रखनी है हर टॉपिक में, कि जब आप टॉपिक जो देख रहे हो लिबिग मेथड, इट इज यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हर मेथड का एस्टिमेशन नाम याद रखना, कौन से एलिमेंट्स के लिए है और उसके साथ उनके फॉर्मूले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आप इसे नोट कर लो और इस टॉपिक पर अभी मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं। ये आता है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दोस्तों मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूं, इससे पहले आप वीडियो पॉज कर देना, बिल्कुल पॉज करना, एक्टिव रहना इस मामले में और ट्राई करना कि कौन सा मेथड लग रहा है। पहले न्यूमेरिकल सुन लो, पढ़ लो, है क्या। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड का वे दिया हुआ है दैट इज W 0.215 ग्राम, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 0.465 ग्राम CO2 एंड 0.253 ग्राम वाटर। इतना CO2 इतना वाटर दे रहा है। डिटरमाइन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। गाइज ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परसेंटेज मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, पहले ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। परसेंटेज का मतलब कि इस कंपाउंड में हमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। तो वो पता कैसे चलेगा, आप वीडियो पॉज कर लो यार, अगर हो सके तो पॉज करके ट्राई करो कि कौन सा मेथड लगने वाला है यहां फॉर्मूला। आई होप आप लोगों ने ट्राई करा हो, अगर नहीं करा है तो एक बार आप देख सकते हो। सबसे पहले इस कंपाउंड में आप लोगों को दिया है वे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.215 ग्राम, इसके बाद दिया है मास ऑफ CO2, CO2 का मास है 0.465 ग्राम, और इसके साथ दिया है मास ऑफ वाटर दैट इज 0.253 ग्राम। सबसे पहले लिबिग्स मेथड लगेगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं हम लोग, हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ CO2 इनटू 100 डिवाइडेड बाय W। आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 12 इनटू मास ऑफ CO2 है 0.465 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 44 इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज 0.215। आप कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 60.03%। ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है गाइज। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा हाइड्रोजन H2 बन के निकलता है ना वाटर में H2O इनटू मास ऑफ H2O इनटू 100 डिवाइडेड बाय W इनटू मोलार मास ऑफ H2O। आप ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आंसर जो भी आएगा उस आंसर को कार्बन का परसेंटेज 60 आ रहा है, यहां जब आप वैल्यू रखोगे तो तकरीबन आंसर आने वाला है 13-14% के बीच। तो करना यह है कि यहां पर आंसर आ रहा है अराउंड 13%। फाइनली हमें लास्ट एलिमेंट बचा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंट निकालने के लिए करना यह है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो यहां से रिस्पेक्टिव आंसर्स आएंगे
माइनस कर देना तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आ जाएगा और फाइनली हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। मैं भी साइड में हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं। बहुत जल्दी नीट और जेई के लास्ट 20 इयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। वीडियोज़ की स्पीड मैं बढ़ाऊँगा गाइज, जल्द से जल्द बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट जल्दी मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँगा। तो आप लोग किसी भी तरह की क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। That's all for today and thank you very much.